मेहमान और मेरे साथ मौजूद है कप्तान बाबर आजम। और बाबर, कैसा लगा आज का मैच? क्या कहते हैं आप, बताएं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे जब अब्दुल्ला आउट हुआ तो थोड़ा सा था मेरे माइंड में कि यार अभी अगर, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला यार हम लोग जो है ना दूसरे तीसरे ओवर से ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये था, देखें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान हमारा यही था कि मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो हम आराम से चेस कर सकते हैं। अगर हम 450 भी होता, 400 भी होता, तो हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि यही अकेला जब भी ये ऐसी इनिंग ही खेलते हैं, हम 90% वो मैच जीते हैं। और जब मैं अंदर गया था तो इसने मुझे सिर्फ यही बोला था कि पिच बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हम इस पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे, लंबा लेके जाएंगे। और हमारी दिमाग में ये था कि हमने 20 ओवरों तक जाना है, लेकिन रेन का हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्लाउडी जो था वो बिल्कुल क्लियर था। और उसके बाद फिर हमने सडनली बादल आए और फिर हमने प्लान किया कि कितने ओवर में कितना चाहिए और क्या सूरत हाल है, तो फिर उसके साथ से हमने अपनी बैटिंग की। और उससे पहले भाई मेरे ने काम स्टार्ट कर दिया था और हर इच्छा के बाद क्या कहते थे मैं इसको कह रहा था फकर ठीक है, एक लग गया है, कोई मसला नहीं, एरिया में आएगा तो गो फॉर इट, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मुझे कहता था ठीक है, लेकिन जबरदस्ती भी मारे इसने काफी। तो मैंने कहा भाई तू खेल, बस तू अंदर रह, जैसे मर्जी खेल, बस खेल तू। तो माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। वैसे विकेट बहुत अच्छा था अगर सही बताएं तो, अभी तक सारे मैच जितने खेले मेरे में सबसे अच्छा विकेट ये था। क्या कह सकते हैं, काफी अच्छा विकेट था। और दूसरा जो चीज थी ना हमारी, उसमें हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक साइड से जो वो है विकेट, वो विकेट इन हैंड रहे, और मैं कोशिश कर रहा था कि लंबा लेके जाऊं, क्योंकि आपकी लग रही थी, मेरा काम वहां पे ये था कि मैं आपको जितनी स्ट्राइक दूं उतना अच्छा, क्योंकि छोटी बाउंड्री थी, हम उसको यूटिलाइज कर रहे थे। तो हमारा प्लान, जो हमारा अंदर प्लान भी था, हम एक एक साइड को यूज लाजमी करते रहेंगे हर ओवर में। हमने जो रन रेट को है ना, हमने ड्रॉप अप नहीं होने देना और कोशिश करनी है कि 8 को टच करते रहना। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह फखर ये इनिंग खेला है।